निलॉस यूनिसेक्स सलोन एंड अकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन कचेरी रोड अजमेर सलोन जो आपको देता है स्टाइल। ये जो 15-20 दिन से ये ब्रिज का काम ओवर ब्रिज का काम चल रहा है इसके लिए ये जो पाइपलाइन दुरुस्त हो रखी है इस पाइपलाइन दुरुस्त होने से ये रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं जिससे कि हमारे कुली भाइयों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे कि इनके लिए कोई ऑटो कोई वाहन कोई पैसेंजर जो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला है वो नए वाले गेट पर चले जाता है। यहाँ इनके दिन दिन भर तक कोई मजूरी नहीं लगती है बोनी तक नहीं होती है और शाम को वैसे ही जाना पड़ता है। इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं हमारे ऑटो चालक जो कि इस वन वे और रास्ता जाम और ये सीवरेज लाइन पाइप पानी के चलते कि पूरा घूम के जाना पड़ता है। सवारियों को बैठाने की परेशानी उतारने की परेशानी यहाँ तक कि सवारियों को ले जाने में भी बड़ी परेशानी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम नगर निगम से यही निवेदन करना चाहेंगे कि या तो हम नगर निगम में आकर इस चीज़ का धरना देकर इस रास्ते को दुरुस्त करवाए नहीं तो फिर हम शायद इसके लिए कुली और ऑटो चालक मिलकर एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। क्या नगर निगम कोई सूद ले रही है नहीं ले रही है? नगर निगम इस चीज़ की 15-20 दिनों से कोई भी सूद नहीं ले रही है ना तो कुली भाइयों पे ना ऑटो चालक पे ना रिक्शा चालक पे किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई बीमारी भी हो सकती है जी इससे गंदगी के इससे बहुत ज़्यादा बीमारियों को खतरा है जैसे कि गंदा पानी गटर लाइन और ये नालियों का पानी इसमें बाहर जो लोग पेशाब वगैरह करते हैं वो सब प्रदूषण से ये बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है जिससे कि हमको यहाँ बैठे रहने वाले कुली भाइयों को और ऑटो चालकों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है जिससे कि बीमार होने का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ता है। अभी हुआ आगे भी तो आप क्या करोगे अगर आगे नगर निगम इसकी सुध नहीं लेता है तो हम समस्त रेलवे स्टेशन के कुली और ऑटो चालक मिलकर नगर निगम के बाहर धरना देंगे और अपनी मांग को व्याप्त रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कंजर ऑटो चालक फर्स्ट क्लास गेट। हमारे को ये परेशानी है ये पानी भरा हुआ है रास्ते में पैसेंजर को आने जाने में दिक्कत हो रही है रास्ता बंद कर रखा है हम पैदल रोड पार कर नहीं सकते। पैसेंजर आते हैं आपके पास या नहीं आते? पैसेंजर आए नहीं रहे पानी भरा हुआ है बिल्कुल दिक्कत हो रही है कहाँ से आएगा ना ऑटो आते ना कोई गाड़ियाँ सीधी घूम के उस वाले गेट पर जा रही है 15 दिन से बैठे सुबह से शाम तक 100 रुपये कमाते वक्त इतनी परेशानी बहुत है सर समस्त खुली हम बिल्कुल पैसे ले बिल्कुल लेके नहीं जाते। कितने दिन हो गए इसको? हमारे को 15 दिन हो गए। आपका नाम? रवि कहार। क्या हो? कुली भैया परेशानी आपके सामने है रिक्शे वाले जा नहीं पा रहे आम पब्लिक जा नहीं पा रही है रास्ते से कोई फूड खरीदना सब्जी वाला को हॉस्पिटल जाने वाला भी हो तो वो इतना परेशान हो रहा है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। आज कम से कम भी महीने से 1.5 महीने होने का आया है चलने वाला दुश्वार साइकिल वाला रिक्शा वाला है आप देख रहे हैं कल ऑटो रिक्शा पलटी आ गया बच्चे परेशान हो गए ये इतना परेशानी हो रही है कि क्या करें चलना दुश्वार हो गया है। स्मार्ट सिटी आपके सामने है सर आना सागर में तब्दील हो रहा सर रेलवे स्टेशन पब्लिक आना जाना मुश्किल हो रखा है सर अब नाले पार करके जाना पड़ रहा नाला सड़क में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या करें उसका पता नहीं सफाई कर्मचारी या नगर निगम वाले कहाँ गए बड़े से बड़े अधिकारी इधर से रोज़ निकलता है उनको नहीं दिख रहा कुछ समझे ये नहीं आ रहा मेरा तो हमारी तो छोड़ो बड़े अधिकारी निकल रहे हैं उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हमको तो क्या दिखेगा। राजेश पवार।